हाय एवरीवन, मैं अश्विन। आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर नंबर 20 यानी कि 20 पढ़ेंगे। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सामने स्क्रीन पे आपको आज के सेशन का पहला इडियम दिख रहा है, देखिए कट कॉर्नर्स। इसका मीनिंग पढ़िए, टू सेव मनी और एफर्ट बाई फाइंडिंग चीपर और ईजियर वेज टू डू समथिंग, मतलब किसी कार्य को करने का कोई सरल तरीका, सस्ता तरीका ढूंढना जिससे कि आपका समय भी बचे, आपके आपका पैसा भी बचे। कट कॉर्नर्स का यही मतलब है, कुछ ऐसा तरीका ढूंढना किसी काम को करने का, किसी लक्ष्य तक पहुंचने का जो शॉर्टकट हो, जिससे कि आपके एफर्ट्स भी कम लगे और फिर इन्वेस्टमेंट भी कम हो। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, कट कॉर्नर्स ये जो फ्रेज है इसका यही तर्क है। आप देखिए, कई बार ये जो सड़क है ना, रोड, और रोड से आपको ये लेफ्ट टर्न लेना है, तो सही तरीका क्या कहता है या नॉर्मल तरीका क्या कहता है कि ऐसे ऐसे आएंगे। जब आप ऐसे ऐसे आएंगे जो कि रूल के मुताबिक ठीक है, तो आपको जो समय लगेगा वो आप दिमाग में रख लीजिए, और फिर आप उसके बजाय यही से ऐसे आ जाए। ऐसे देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पहियों के निशान भी बने हुए, इससे क्या होगा आप बताइए। इससे आप जो है एक दो सेकंड का तो फर्क पड़ ही जाएगा ना, जो ऐसे अपनी गाड़ी को ऐसे ला रहा हो, जो ऐसे ला रहा होगा, ये आदमी आगे आ जाएगा ना, ये जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया है, दिस मैन हैज कट कॉर्नर्स, इसने कॉर्नर्स को ही कट कर दिया है, कॉर्नर्स छोड़े ही नहीं है। तो जब कॉर्नर्स छोड़े ही नहीं, तो टर्न वहां से लेने के बजाय पहले ही टर्न ले लिया है ना, तो अपना समय बचेगा, गाड़ी है तो फ्यूल बचेगा, तो पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा। कट कॉर्नर्स का यही लॉजिक है, कट कॉर्नर्स का यही लॉजिक है। जैसे कि ऐसे सड़क ऐसे जा रही थी, आपने क्या किया, आपने यहीं से ऐसे चल दी, आप ऐसे चल दिए सीधे, तो आप वहां गए ही ना, आपने कॉर्नर्स को कट कर दिया। तो व्हाट यू डिड, यू सेव्ड योर मनी, यू सेव्ड योर टाइम, यू सेव्ड योर एफर्ट्स एज वेल, सो दिस इज कॉल्ड टू कट कॉर्नर्स। एग्जाम्पल देखिए, they are always finding ways to cut corners, I won't cut corners just to save money, I put quality first। ये एक sentence है कि मैं ना ऐसा नहीं करूंगा कि पैसा बचाने के लिए मैं कट कॉर्नर्स करूं, मैं quality को पहले पहले दूंगा। हाँ, कट कॉर्नर्स का यही मतलब है, होपफुली समझ में आ गया होगा। कट द कैकल, कैकल मतलब बातचीत करने से होता है, कैकल मतलब मतलब चक चक करना जिसको कहा जाता है, तो कट द कैकल मतलब चक चक बंद कर दिया आपने। जब चक चक बंद कर दी, तो आपने फिर क्या किया, जो काम था उस काम पे आपने ध्यान दिया। ये देखिए, स्टॉप टॉकिंग एमलेसली एंड कम टू द पॉइंट, मतलब बेकार की बातें करना बंद कर देना और जो मुद्दा है उस पे आ जाना, या फिर जो आप काम कर रहे थे उस काम को करना। तो स्टॉप टॉकिंग एमलेसली, बेकार की बातें करना बंद कर देना, कैकल का मतलब ही होता चक चक बातें करना, उसको आपने बंद कर दिया, उसको कट कर दिया, तो चक चक आपने बंद कर दी। चलिए एग्जांपल देखिए, ओह कम ऑन लेट्स कट द कैकल नाउ, मतलब बहुत होगी बातें ये बेकार की, अब हमें इस फालतू की बातों को रोक देना चाहिए। तो सामने स्क्रीन पे दो दो इडियम्स लिखे हैं, दोनों समझ में आ गए होंगे। कट कॉर्नर्स, शॉर्टकट निकालना किसी भी काम को करने का, कट द कैकल, फिजूल की बातें बंद कर। सामने स्क्रीन पे आपको आज के सेशन का तीसरा ईडियम दिख रहा है, कट थ्रोट। ये बहुत ही कॉमन ईडियम है, एवरेज ईडियम है, बहुत पूछा जाता है और आप सबको मालूम भी होगा। एक हिंदी में शब्द है गला काट प्रतियोगिता, किसको कहते हैं गला काट प्रतियोगिता, किसको कहते हैं वो कॉम्पिटिशन जो बहुत मुश्किल हो, जिसे क्लियर करना, बीट करना, तो टफ कॉम्पिटिशन के लिए इस्तेमाल होता है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। ये देखिए कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, ईजी है, मैंने सिर्फ रिमाइंड कराने के लिए, रिविजन आपका कराने के लिए इस ईडियम को आपको दिया है। नंबर फोर, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम, इसे याद रखिएगा, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। एक कहावत है कि जितनी बड़ी चादर हो उतनी ही पैर फैलाने चाहिए, चादर के हिसाब से पैर फैलाएं, मतलब जितनी आपकी इनकम हो उसी के हिसाब से आप खर्च करें, जितनी आपकी कथा हो आप उतनी ही कथा सुने, मतलब जितनी आप में क्षमता हो शादी बारात में पार्टी में उतने ही मेहमानों को बुलाएं जितना आप, जिनका आप स्वागत कर सकें।
तो अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी कार्य को करना, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर, जितना कपड़ा हो उसी में आप कोट को से लेना, यानी कि कोट आपको चाहिए राजाओं के जैसा और कपड़ा जो है आपके पास उतना नहीं है, तो जितना कपड़ा है उस हिसाब से कोट सिलवाइए, है ना। फिर वो राजाओं के जैसा नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन कपड़े की मात्रा के हिसाब से, है ना, वो कितने मीटर का है वो उस हिसाब से कट कराइए कि कोट कैसा बन सकता है। तो अपनी क्षमताओं के हिसाब से कार्य करना, अपनी क्षमता के हिसाब से किसी कार्य को लेना। Undertake only for what you have the money or ability to do and no more. सिर्फ उतने ही काम को करना लेना जिसको करने के लिए आपके पास पैसे हैं या फिर क्षमता है, जितना आप कर सकते हैं उससे ज़्यादा नहीं करना। You may not have cut your coat according to your cloth by saying yes to this project. कोई कह रहा है कि तुमने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर दी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका ये गलत डिसीजन है, आपकी क्षमता से बड़ा ये प्रोजेक्ट है, आपको इसे फंड करने में, इसे हैंडल करने में समस्याएं हो सकती हैं। आई बिलीव दैट यू हैव नॉट कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ व्हेन यू हैव सेड यस टू दिस प्रोजेक्ट। यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं हुई होगी। डांस टू समवन्स ट्यून, ये आज के सेशन का ईडियम नंबर 5 है। इट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम। ट्यून इशारा, किसी की ट्यून पे नाचना, किसी के इशारे पर नाचना, मतलब किसी का गुलाम हो जाना, किसी के कहे पे चलना, जैसे जो बोल दे वैसा करना, है ना, किसी को अपना मालिक बना लेना, उसका कुत्ता हो जाना। तो डांस टू समवन्स ट्यून का यही मतलब है, किसी के इशारे पर काम करना। और ये आपकी स्वामी भक्ति को नहीं दिखाता है, ये दिखाता है कि आप कितने कमजोर हैं, ये दिखाता है कि आप कितने कितना कम आपके भीतर आत्मसम्मान है, एक तरीके से आप किस कदर बंधे हुए हैं किसी से। तो when somebody dances to someone else's tune, तो वो उसी के इशारे पर नाचता है, उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, कोई इंटीग्रिटी नहीं होती, उसका कोई एक तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो डांस टू समवन्स ट्यून, ओबेइंग समवन्स ऑर्डर्स, किसी के आदेशों का पालन करना। Employees have to dance to their employer's tune. ऐसा होता ही है, इसी को exploitation बोलते हैं, कि employer को जो भी ठीक लग रहा है भले वो ठीक नहीं है। Employer वो जिसने नौकरी पे रखा है किसी को, लेकिन चूंकि वो बॉस है, चूंकि वो मालिक है, तो employee को अपने बॉस के ट्यून पे नाचना तो पड़ता ही, अदरवाइज दे कैन बी फायर्ड आउट, दे कैन बी फायर्ड, उन्हें हटाया जा सकता है, दे कैन बी डिसमिस्ड, दे कैन बी सीवियरली पनिश्ड। So, employees have to dance to their boss's tune. So, dance to someone's tune का मतलब हुआ किसी के इशारे पर नाचना। Dead broke. Dead broke का मतलब penniless, जब आपके पास बिल्कुल भी पैसा ना हो, जिसे आप दिवालिया बोल सकते हैं, bankrupt जिसको कह सकते हैं, बिल्कुल कंगाल। देखिए ना, dead broke मतलब मरने जैसी स्थिति आ गई है, बस इस कदर टूट चुके हैं आप, इस कदर आप दिवालिया घोषित हो चुके हैं, इस कदर आपके पास पैसे नहीं बचे हैं। हैव अ पिक्चर, ये देखिए, कोई व्यक्ति अपनी दोनों पॉकेट्स निकाल के देख रहा हो, क्या देख रहा है कि किसी में चवन्नी भी नहीं है, तो अपने आप को क्या बोल रहा है, आई एम डेड ब्रोक, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, मैं मतलब दिन भर का खाना भी नहीं खा सकता आज शाम का, तो आई एम टोटली डेड ब्रोक, I'm penniless, I'm out of pocket, है ना, ये भी बोलते हैं out of pocket, pocket ही नहीं है मेरे पास, तो पैसा कहाँ होगा। If somebody is dead broke, the person has no money, he is bankrupt, he is insolvent, he is penniless, he is out of pocket. ये देखिए, I have been a dead broke for a month now. कोई कह रहा है पिछले एक महीने से मैं कंगाल चल रहा हूँ, पिछले एक महीने से मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। दिस लॉकडाउन हैज लेफ्ट मेनी पीपल डेड ब्रोक, ऐसा ही तो हुआ, इस लॉकडाउन ने तमाम लोगों को ऐसी ही हालत में छोड़ दिया है। दिस लॉकडाउन हैज लेफ्ट लैक्स ऑफ पीपल अक्रॉस द कंट्री डेड ब्रोक। नंबर 7, ये देखिए, इसमें कभी इन भी आता है, कभी एट भी आता है, कभी डेड ऑफ नाइट के पहले दा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है, इन डेड ऑफ नाइट, इन द डेड ऑफ नाइट, एट डेड ऑफ नाइट, एट द डेड ऑफ नाइट, और विंटर के साथ भी हो सकता है, डेड ऑफ नाइट या डेड ऑफ विंटर। डेड ऑफ नाइट किसको बोलते हैं सर,
जब रात रुक गई हो मतलब आधी रात को, रात डेड हो गई, रात भी सो चुकी हो, रात कब सो जाएगी? 12 बजे, समझ रहे हैं ना? 12 बजे एक तरीके से मिडिल ऑफ द नाइट, डेड ऑफ नाइट उसको बोलते हैं, रात के 12 बजे, मतलब जो बहुत काली रात हो जिस वक्त। और विंटर से रिलेट कैसे करेंगे? विंटर को आप याद करिए, इन दिनों विंटर ही चल रहा है, तो सर्दियों में रातें बहुत अंधेरी होती हैं, रातें लंबी भी होती हैं, है ना? सनराइज देर में होता है, सनसेट जल्दी हो जाता है, ठंडियों में दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं, और ठंडियों में प्रायः रातें बहुत अंधेरी होती हैं, बहुत अंधेरी होती हैं। तो डेड ऑफ नाइट, अंधेरी रात में, डेड ऑफ नाइट, है ना, बीच रात में, आधी रात में, जब रात भी रुक गई हो एक तरीके से, जब रात भी रुक गई, तो मिडिल ऑफ द नाइट कहा जाता है एक तरीके से, बहुत रात में, वो 12 बजे, 12 बजे के बाद, 1, 2, 3, इस तरीके से, है ना? जब कोई कितना भी जगने वाला हो लेकिन वो भी सो चुका हो, कोई 11 बजे तक जग सकता है, 12 बजे तक जग सकता है, 2-3 बजे तो सभी सो रहे होंगे, तो डेड ऑफ नाइट वो टाइम है जब कोई नहीं जग रहा है, बहुत ज्यादा रात जब हो चुकी हो 12 बजे या उसके भी बाद। एग्जाम्पल देखिए, वाई आर यू कॉलिंग मी इन द डेड ऑफ नाइट, इतनी रात को क्यों मुझे फोन कर रहे हो इतनी रात को? कांट यू वेट टिल मॉर्निंग, सवेरे तक रुक नहीं सकते, सवेरे तक वेट नहीं कर सकते क्या? तो डेड ऑफ नाइट का ये मतलब है ना, बहुत ज्यादा रात होता। डाई अ डॉग्स डेथ, बहुत ही कॉमन सा ईडियम है, कुछ भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं किसी ईडियम फ्रेज को पढ़ाते समय ये नहीं कहूंगा कि मैं बता रहा हूं तो वो इजी है, बहुत टफ है, जैसा होगा मैं वैसे बताऊंगा। डेड ऑफ नाइट, डेड ऑफ विंटर स्टैंडर्ड ईडीएम है, समझाने में समय लगा मुझे, आपको भी समझने में समय लगा होगा, लेकिन डाई अ डॉग्स डेथ, इट इज इंपॉर्टेंट बट इट इज अ वेरी एवरेज ईडीएम। कुत्ते की मौत मरना, डाई अ डॉग्स डेथ, कुत्ते की मौत मरना मतलब शेमफुल डेथ के लिए इस्तेमाल होगा, है ना? डाई अ शेमफुल डेथ। इट इज बेटर टू कन्फेस एवरीथिंग टू द पुलिस देन डाई अ डॉग्स डेथ, कुत्ते की मौत, ये देखिए दैट गलत लिख गया, दैन होना चाहिए, कुत्ते की मौत मारे जाने से या कुत्ते की मौत मरने से बेहतर है कि पुलिस के सामने सब कुछ कबूल कर लो, पुलिस के सामने, वरना पुलिस डाल देगी जेल, मरो वहीं पे। तो बेहतर है कि आप सब कुछ पुलिस के आगे कबूल कर ले, अदरवाइज पुलिस जो है टॉर्चर करेगी आपको, तो वो तो बहुत ज्यादा बुरी बात हो जाएगी। तो इट्स बेटर टू कन्फेस एवरीथिंग टू द पुलिस, पुलिस के आगे सब कुछ एडमिट कर लेना ज्यादा जरूरी है, वरना आफत हो सकती है। नंबर 9, डाई हार्ड, बहुत कॉमन सी फ्रेज है सर, डाई हार्ड फैन हो सकते हैं, लाइक आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ सचिन तेंदुलकर, आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ महेंद्र सिंह धोनी एज वेल, डाई हार्ड, आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ लता मंगेशकर सिंगिंग, तो डाई हार्ड इसको बोलते हैं, बहुत ही कट्टर होना। ये देखिए अर्नेस्ट, जिसके भी प्रति आपका झुकाव हो, बहुत ईमानदार झुकाव है एक तरीके से, पक्के वाले फैन हो, डाई हार्ड, ठीक है? और ऐसे समझे डाई हार्ड जो चीज बहुत मुश्किल में डाई करेगी, मतलब डाई ही नहीं करेगी, मरेगी ही नहीं, बहुत मुश्किल से जो मर सकती, तो जो चीज बहुत मुश्किल से जा सकती है वो कंटिन्यू टू एग्जिस्ट होगी सर। भाई अगर कोई किसी का डाई हार्ड फैन है तो बहुत मुश्किल है कि कभी उसकी फैन फॉलोइंग, मतलब कभी उसका ये जो झुकाव है, इंक्लिनेशन है टूवर्ड्स दैट पर्सन, वो भले ही कभी जाए, वरना जब आप डाई हार्ड फैन हो जाएंगे किसी के तो ताउम्र रहेंगे उसके फैन, तो डाई हार्ड क्या? ये देखिए, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पहले पुरानी आदतें बहुत मुश्किल से जाती, जाती ही नहीं है सर। किसी व्यक्ति को अगर जवानी में मसाला खाने की आदत पड़ गई हो तो क्या बुढ़ापे में छोड़ पाएगा? या कोई व्यक्ति अगर जवानी में दारू पी रहा हो, स्मोकिंग करता हो, तो बहुत मुश्किल है कि वो जब 60-65 साल का हो तो वो स्मोकिंग ना करे, है ना? पूरा तो नहीं छोड़ सकता ना, वो कुछ काम जरूर कर सकता है मेडिकल ग्राउंड्स पे, लेकिन पूरी तरीके से छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है ना, दिस इज कॉल्ड डाई हार्ड। ये देखिए, अ डाई हार्ड सपोर्टर ऑफ नॉन वायलेंस, यहाँ पर आप बहुत ही ईमानदार सपोर्टर है नॉन वायलेंस के, मतलब अहिंसा के पुरजोर समर्थक। नंबर 10, डाई इन हार्नेस, डाई मतलब मरना, हार्नेस इमेज देखिए, ये देखिए आपको एक बिल्डिंग दिख रही है, इसका ग्लास वाला हिस्सा है, ये कुछ लोग हैं जो साफ सफाई कर रहे हैं, और ये कैसे कैसे कर रहे हैं, इनके नीचे कोई सरफेस तो है नहीं, सपोर्ट कहाँ है,
ये ना ये इन्होंने हार्नेस ऐसे ऐसे बांध रखी जो ऊपर से ऐसे ऐसे फंसी हैं, टेरेस से सपोर्ट इनको दिया गया है, इसी को हार्नेस कहा जाता है। हार्नेस पहनने की कब जरूरत पड़ती है? जब आप कोई काम कर रहे हो। अगर आप काम नहीं कर रहे होंगे तो आप यहाँ क्यों चढ़े होंगे? तब आप नीचे बैठे होंगे। तो अगर डाई इन हार्नेस हो, मतलब हार्नेस टूट जाए, किसी की हार्नेस टूट जाए, तभी ये व्यक्ति नीचे गिरेगा और पॉसिबली मर भी जाएगा। तो डाई इन हार्नेस का मतलब है कि जब आप कोई काम कर रहे थे, कोई काम ये कर रहे हैं ना, और उसी वक्त हार्नेस टूट गई तो आप मर गए। तो डाई एट वर्क, ऑफिस में मरना, काम करते करते मरना, डाई एट वर्क। जैसे इंदिरा गांधी को ले लीजिए, शी डाइड इन हार्नेस। जब आप पटेल साहब को ले लीजिए, ही ऑल्सो डाइड इन हार्नेस। समझ रहे हैं आप? तो डाई इन हार्नेस कहते हैं। अभी अहमद पटेल साहब की डेथ हुई, ही ऑल्सो डाइड इन हार्नेस। मतलब जब कोई व्यक्ति एक्टिव है, एक्टिव है, जैसे किसी के घर में जो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, जब वो नौकरी कर रहा हो, तो वो डाई इन हार्नेस कहा जाएगा। डाई एट वर्क, एक्टिव होना, अपने प्रोफेशन में एक्टिव होना। अपने जैसे आप सुशांत सिंह राजपूत को ले लीजिए, जिनको लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुई है ना तो वो भी डाई इन हार्नेस का ही केस है। ही वॉज वेरी मच एन एक्टिव एक्टर। तो वो वेन ही डाइड और वेन ही वॉज किल्ड, जो भी आप उसे समझे, अभी तो वर्डिक्ट नहीं आया है उसका। तो डाई इन हार्नेस का ये मतलब, डाई एट वर्क। एग्जाम्पल देखिए, मेनी ऑफ आर पॉलिटिकल लीडर्स हैव डाइड इन हार्नेस। तमाम पॉलिटिकल लीडर्स का यही हुआ है, काम करते करते उनकी डेथ हुई। तो इस तरीके से आज का सेशन ओवर होता है। होपफुली यू पीपल वुड हैव एंजॉयड इट। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे सीधे मेरे से बात कर सकते हैं ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। इट इज मालूम होगा वैसे आप सभी को, मैं फिर से लिख देता हूँ। अगर आपको कुछ भी समझने में कोई समस्या आया है, एनी टाइम यू कैन टेक्स्ट मी। इट इज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, इट इज 9935923221। इस बैच के अगेन चैट विंडो होगा, वहाँ पे अपना कंप्लेन, वहाँ पे अपना सुझाव दे सकते हैं। ऑलवेज वेलकम। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड।